ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देने वाले भंडारी में डालते हैं, उनका भाग्य बनता है। और अगर हम कहीं ज्यादा तो तन भी व्यर्थ न जाए, मन भी न जाए, धन भी न जाए। ये दादियों ने करके सिखाया। आज ताजमहल तो सब देखने जाते हैं, लेकिन ताजमहल की नींव ये दादियों की तपस्या से आज हमारे 137 देशों की भव्यता है। आज ब्रह्मा कुमारियों को आज ये सम्मान मिल रहा है। उन दिनों में सम्मान देने वाले कोई एक होते थे और गाली देने वाले 100-99 होते थे। मैं अपना अनुभव साधु एक दिन में कि जब मैं पैदल चलती थी, रिक्शे के पैसे नहीं होते थे, पीछे से लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारी नई बीमारी, ब्रह्मा कुमारी नई बीमारी। और एक तो किसी ऐसे लड़के ने पान की पीक भी मेरी साड़ी पे डाल दी पीछे से। उस समय कोई सम्मान, सफेद कपड़े वाले को देख के दरवाजा बंद कर लेते थे। ऐसे कठिन समय में ये दादियों की तपस्या काम में आई और दादी की प्रतिभा इतनी बढ़ती गई लगते थे। और दिल्ली में खास कि जिसका सेंटर फलीभूत नहीं होता है वो गुलजार दादी को बुला ले। और ये प्रैक्टिकल हमने देखा कि गुलजार दादी को 2011 में हमारे सिंधी सम्मेलन में आना हुआ। और कैसे हुआ, बहुत सुंदर हुआ। दादी के रहने का मेरे पास कोई उनके स्तर का स्थान नहीं था। एक सिंधी भाई संपर्क में उसके पास गए तो उसने कहा कि ऐसा है, मेरे ऑफिस के उसको युद्धस्तर पे लग के ठीक करा दूंगा। समझ में आ गया। और जैसे कहते गए कि दादी के साथ 10 लोग हैं तो 10 का टेबल बनाया, डाइनिंग टेबल, बहुत शाही कुर्सियां बनाई, चारों बाथरूम में गीजर लगा दिया, हर कमरे में एसी लगा दिया, बहुत सजा दिया, किचन नहीं किचन बनाया। हमने कहा दादी को तो बाबा कमरा चाहिए, बहुत सुंदर बाबा का कमरा कांच के फ्रेम वाला बना दिया, बना ऐसा बना दिया। जिसने वो सर्वोदय नगर का देखा होगा, ये गुलजार दादी के चरण अभी पड़े नहीं है, इतना सुंदर भवन तैयार हो गया। सुई धागा से सब डेकोरेट कर दिया, कुछ भी सोचना नहीं, किचन के लिए भी नहीं सोचना। और सब चीज रॉयल, फ्रिज भी रॉयल, हर चीज रॉयल। टेरिस पे गार्डन बना दिया कि दादी यहाँ वॉकिंग कर लेगी, उतने में घास भी लगा के बढ़िया करा दिया। वहीं से वाइब्रेशन डाल रहे हैं कि कौन मेरे पास आ रहा, भी देखा नहीं है गुलजार दादी को। जब दादी आए सिंधी सम्मेलन तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत रेस्पॉन्स मिला। और दादी के नाम पर एक नया पैसा सेंटर का नहीं लगा। 1500 सिंधियों का प्रोग्राम और उन्होंने कहा था बहुत अच्छा भोजन बनाना, पर उन्हीं लोगों ने सब खर्च किया, बनाया अपने लोगों ने, सर्व किया और जैसा जो मीनू बताया वो बनाया गया। पर एक पाई नहीं, पूरा खर्चा सिंधियों का, आने जाने का खर्चा सिंधियों का, रहने का तो मिल ही गया, हर चीज उनकी एक से एक गाड़ियां दादी के लिए खड़ी, एयरपोर्ट तक भी लेने के लिए। अभी देख ये दादी की जो कहते ना सर्च लाइट, वो उनके ऊपर जैसे पड़ रही थी, खुशी के मारे, इतने उमंग के मारे कर रहे थे, बहुत खुश खुश होकर के। फिर जब पता चला कि दादी के तन में बाबा आता, कहते तो भगवान आया है। आज तक भी भगवान कहते हैं, दादी गुलजार नहीं कहते, इतनी भावना। और जब वो जाने लगी विदाई में तो बहुत सम्मान के साथ विदाई दिया। फिर बोले दादी इस भवन को करेंगे क्या, हमारा तो मॉडल टाउन में बना हुआ है, हम इसको क्या करेंगे। बच्चों ने कहा पापा अब क्या होगा। चाबी दादी गुलजार को दे दिया तो दादी के हाथ एक मकान भी मिला, खर्चा भी नहीं हुआ, मकान भी मिला उनका पैर पड़ते। और उसके अलावा सिविल लाइन से वो 6-7 किलोमीटर दूर है, रोज क्लास कराओ तो कौन जाए, कोई नहीं था। फिर जाकर के दादी को शिकायत वहां, फिर हमने शुरू किया तो बोले आपको
भाई हमारे पास इतना साधन नहीं है। बोले साधन तो मैं देता हूं, एनोवा मिलती थी तो मुझे खड़ी कर दी और जाके मधुबन दादी से चाबी दे के गुलजार दादी से उद्घाटन कराया। तो शायद दादी के द्वारा उद्घाटन हुआ इसलिए मेरा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, पर आपके सामने हूं, बचने लायक नहीं थी। जो इकट्ठा हो गए वो कहे इसमें से कोई बचा, वो कैसे कहे कि सब मर गए। लेकिन हम चार लोग थे, चार कि गाल्टी एनोबा चार बार पलटे, डिवाइड पार करे और इसमें कोई बच जाए। तो ध्यान आया कि दादी ने इसका उद्घाटन किया था, बरदानी हस्तों से किया था।